कुछ पैसे बचाने के लिए ये लोग दोस्तों इस कंडीशन में अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं। और कोई ठेले पे सोया हुआ है, कोई जो हाथ वाली गाड़ी होती है उस पे सोया हुआ है। मेरे पास ये सब सामान है। हाँ, मैं बाहर कहाँ रख के सो जाऊंगा? सो जाऊंगा तो दूसरा को उठा ले जाएगा। सही बात, जब जमीन में रहते। लेकिन ये भी तो कुछ तो पैसा कमाते होंगे, तो फिर वो पैसा कहाँ रखते होंगे? इसी साथ में एक सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं हूँ मोहम्मद अली रोड पे, और जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ का काफ़ी खूबसूरत माहौल, और इन्हीं खूबसूरत माहौल में दोस्तों मैं फिलहाल यहाँ पे घूमने वाला हूँ बेघर लोगों की जिंदगियाँ। और अभी करीबन दोस्तों रात के 2:30 बजे हुए, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। करीबन दोस्तों रात के अभी 1:46 हो रहे हैं, और फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आया हुआ था, रमजान का टाइम था, मोहम्मद अली रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एक बिल्कुल अलग चीज़ देखी वो मैं फिलहाल दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे रोडों पे आप देख सकते हैं दोस्तों सामने की तरफ बहुत सारे होमलेस लोग दोस्तों सोए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे घूमते हुए ना बहुत सारे लोगों को देखा हूँ दोस्तों इस तरह से रोडों पे सोते हुए। ये पूरा दोस्तों देख रहे हैं मोहम्मद अली रोड का ये पूरा नज़ारा है, और यहाँ पे किनारे किनारे से दोस्तों इस तरह से जिंदगियाँ वगैरह बसती हैं। एक दो लोग नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी तरह से रोडों पे सोए हुए हैं। यार मेरे भाई अभी देखो किस तरह से सोए हुए हैं, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और वो लोग वहाँ पर अपना सुकून भरी नींद मार रहे हैं। किसी चीज़ का उनको डर नहीं है, ना किसी चीज़ का टेंशन है कि क्या खो जाएगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं है। मस्त एकदम सो रहे हैं। वहाँ पे दो अंकल हैं, एक आंटी हैं, और एक इधर अंकल वगैरह हैं दोस्तों। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ वो रोडों वगैरह पे सोए हुए हैं। फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे एक भाई साहब रात के 2 बजे तरबूज बेच रहे हैं। कितने का भाई ये? 20 का प्लेट है भाई। एक प्लेट खिला देना यार। तो फिलहाल दोस्तों अभी रात के करीबन 2 बजे हुए। कितनी रात को आप बेच रहे हैं भाई? अभी पूरी रात बेचना पड़ेगा रमजान। अच्छा, रमजान में पूरी रात बेचते हैं क्या? हाँ। अभी किधर जा रहे हैं पर आप? अभी जा रहे हैं रूम पे। रूम पे जा रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन अभी रमजान का टाइम तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, तो अभी तो आज चालू हो गया ना। अच्छा, आज चालू हो गया। हाँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी भाई साहब ये 20 रुपए में एक प्लेट दिए। आपका नाम क्या भाई? अनीश खान। अच्छा, अनीश खान भाई साहब। अच्छा भाई आइए ट्राई करिए। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था यहाँ का माहौल वगैरह दिखाने के लिए, और रमजान का मौका है तो पहली सहरी यहीं पे हमें करनी थी। तो इस तरह से अभी मैं रास्ते में जा ही रहा था, तो भाई साहब यहाँ पे इस तरह से तरबूज और पपीता बेच रहे थे। ये तरबूज ही कहते हैं ना भाई? जो कलिंगर, कलिंगर भेज रहे। परमा थोड़ा रुक के खाएंगे क्या? थोड़ा बतियाएंगे आपसे। लेट हो जाएगा वो आपके खाने क्या भाई? अच्छा अच्छा। तो अनिश भाई यार मैं एक बात यहाँ पे देख रहा हूँ। जी बताइए। अभी मैं रोडों पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से किनारे किनारे सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं ना? इसमें बहुत सारे पीके पड़े हैं। हाँ, दारू पी के बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे जो दारू पी के पड़े हैं। हाँ। और बेसिकली मतलब ये जो गरीब, बहुत सारे जो गरीब हैं काम करते हैं ऐसे आके सो जाते हैं। अच्छा, काम करते हैं आके सो जाते हैं ना? मतलब यही मोहम्मद अजी में काम भी करते हैं, यहीं पे आके सो जाते हैं? अरे यहीं पे कोई ठिकाना नहीं है इन लोग का। अच्छा अच्छा। हाँ, दिन भर काम किया और फिर आके सो। अच्छा अच्छा। मतलब काफी मतलब दिक्कतों भरी जिंदगी होती है ना अनिश भाई? एक बात सोचिए, इनको नींद कैसे आती होगी? वो सो जाते हैं भाई, आदत हो गई। आदत हमेशा सोते हैं क्या यहाँ पे? हमेशा सोते हैं। अभी अनिश भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब यहाँ से इस रोडों पे बहुत ज्यादा ही लोग हैं ना? वो हमेशा रहते हैं इधर भाई। अच्छा अच्छा। और अनिश भाई आपका घर किधर है? मैं भाई उधर रहता हूँ, रेलवे कंपाउंड से ही मोहम्मद अली रोड पे जा रहा था। अभी एक बंदा एकदम डिवाइडर पे सोया हुआ है। अगर सच में यार गाड़ी आती है और वो करवट लेता है तो सच में वो रोडों पे एकदम गाड़ी के नीचे आ जाएगा। ये वाकई देखने में काफ़ी डेंजर सा सीन लग रहा है, और ऐसा हो ना ऊपर वाले कभी ऐसा कुछ करे ना, नहीं तो इनका जान तो जाएगा ही जाएगा। पर यार ये सारी चीज़ें देख के ना वाकई काफ़ी बुरा मतलब फीलिंग आ रहा है, और इतना VIP एरिया में अभी घूम रहा हूँ मोहम्मद अली रोड। फिलहाल दोस्तों मैं अभी ऐसे ही घूमते हुए जा रहा हूँ, आपको इस तरह से पूरा माहौल वगैरह दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं फिलहाल अभी मोहम्मद अली रोड पे हूँ, और यहाँ पे इस तरह से आपको माहौल वगैरह दिखा रहा हूँ। बाकी अभी रोड की कुछ क्लीनिंग वगैरह के काम हो रहे हैं,
देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरफ से, बीच में भाई लोग अपने खड़े होकर काम वगैरह कर रहे हैं। हम लोग घूम रहे थे, भाई साहब यहाँ पे इस तरह से चाय बेच रहे थे, तो अभी हम इनसे चाय देते हैं। ये किस चीज़ का बनाया भाई आपने? दूध वाला चाय है? चाय कॉफी? ये चाय मतलब ये अभी आपने क्या कुछ मिक्स था क्या उसमें? मसाला है उसमें। अच्छा, तो कितने का ये चाय भाई आपका? तो फिलहाल दोस्तों इतनी रात को आप बेचते हैं? हमेशा बेचते हैं? मतलब ये रमजान में ही बेच रहे हैं या इससे पहले भी? रात भर इसे पूरा माहौल रहता है क्या? हम तो पहली बार यहाँ आए रमजान की वजह से, कि आज हम लोगों को सहरी अफतारी वगैरह सहरी करनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे घूमने आए थे। और आप इसे रात भर बेचते हैं? पूरा अखा रात यहाँ पे लोग जागते रहते हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई यार, मतलब पूरा मतलब रात को इसी माहौल रहता है। ओहो, तो फिलहाल दोस्तों भाई साहब को भी हम चाय का पैसा देते हैं। और कितने का भाई चाहिए? 10 रुपये। 10 रुपये का है? और फिर आप रात भर बेचते हैं, फिर दिन भर तो सोते होंगे भैया? कितने बजे से स्टार्ट करते हैं आप बेचना? वही शाम को, अभी रमजान चल रहा है, 8 बजे निकलेंगे। सुबह 5, शाम को 5 बजे। 5 बजे तक खत्म हो जाता है, पूरी रात बेचते रहते हैं। और अच्छा सेल हो जाता है आपका? माशाल्लाह भाई, क्या नाम है आपका वैसे? मुबारक भाई। रहने वाले कहाँ मुबारक भाई? और आज मैं आया था यहाँ पे रमजान का माहौल स्पेशली दिखाने के लिए, सुबह सुबह कि किस तरह से माहौल हो जाता है, खूबसूरत सा माहौल। अभी जिस एरिया में हम हैं अभी, इस एरिया का नाम क्या है इसका? पठानवाड़ी है। तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ भैया, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फुटपाथ पे भी सो रहे हैं, तो वो कौन से लोग होते हैं? अरे जैसे बाहर का छुट्टा काम कर रहे हैं ना, फुटपाथ पे सो रहे हैं। जो भी सो रहा है उनको भाड़ा वगैरह नहीं देना पड़ता? भाड़ा वाड़ा कुछ? अच्छा। और आप कहाँ रहते हैं? मैं तो रूम लिया हूँ दाना बंदर। और बाकी अच्छा जी, ये लोग जो सोते हैं रोड के किनारे, इनको कोई कुछ कहता नहीं है क्या? बहुत लोग सोए हुए हैं मेरे। इसके पास बाहर का काम है, छुट्टा काम है। छुट्टा काम बंद करके बाहर सो रहा है। अच्छा, जिससे मेरे पास ये सब सामान है, मैं बाहर कहाँ रख के सो जाऊंगा तो दूसरा कोई उठा ले जाएगा। सही बात, जब जरूर में रहते। लेकिन ये भी तो कुछ तो पैसा कमाते होंगे, तो फिर वो पैसा कहाँ रखते होंगे? इसी साथ में एक सो जाते हैं? नहीं, दूसरे के पास जमा कर देते हैं। अच्छा, दूसरे के पास जमा कर देते हैं। हाँ। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आ रहा था ना, मतलब मैं तो आप बताई कि आपको यहाँ पे आज रमजान का माहौल दिखाने के लिए आया था, तो यहाँ पे काफी मतलब क्राउड देखा, भीड़ देखा लोगों का, कि रोड पे सो रही है सब, मतलब एक दो लोग नहीं है, मतलब पूरा का पूरा 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोग ऐसे। और कोई ठेले पे सोया हुआ है, कोई जो हाथ वाली गाड़ी होती है उस पे सोया हुआ है। रमजान चालू है ना? हाँ, तो इससे जैसे आदमी ठेला लेके आए, हाँ, तो उस पे एक महीना काट लेंगे। अच्छा, तो भाड़ा भी बच जाएगा। अच्छा, ठेले पे सामान लेके आएगा बेचने के लिए? हाँ। और मतलब दिन भर बेचेगा, रात को सो जाएगा उसी पे? हाँ, सही है, फिर क्या ही दिक्कत है। और रमजान के टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोग भी आते होंगे बेचने के लिए ना, फल फ्रूट वगैरह। और बाकी जो हाथ गाड़ी वाली होती है उससे भी लोग सोते हैं, वो कौन लोग होते हैं? वो हाथ गाड़ी भी सो सकते हैं। अच्छा, अभी आप गर्मा किस चीज से रहे? ये स्टोव है क्या? स्टोव है। मिट्टी का तेल मिलता है क्या? अभी मिट्टी का तेल तो बंद हो गया ना? व्हाइट वाला मिलता है। क्या रुपए लीटर भैया? 110 रुपए लीटर। 110 रुपए लीटर। गैस नहीं यूज करते क्या? नहीं, गैस नहीं रखते। पेट्रोल से भी महंगा है मिट्टी का तेल। बाप रे बाप, तो आप नुकसान तो नहीं होता होगा ना? मतलब हो जाता है ना, फायदा हो जाता है। लेकिन ये चाय आपने बहुत जबरदस्त बनाई है, इसका राज क्या है भाई जान? मुझे एक बार दिखाएंगे क्या जो इसमें वो है? ये तो बंदा है, मसाला आपका मसाला है ना? अच्छा, फिलहाल भाई साहब अभी मैं इनकी चाय पिया था दोस्तों, मुझे वाकई इनकी चाय काफी अच्छी है, कि ये भाई साहब इस तरह से बेच रहे। अभी रात को करीबन 3 बजे हुए हैं, अब कितने बजे तक बेचेंगे भाई आप? 5 बजे तक का। 5 बजे तक सुबह तक बेचेंगे? और बाकी ये जो एगियस भाई, अच्छा ये मसाला है क्या यार? वाकई इनकी जो चाय थी वाकई काफी शानदार थी। अगर आप कभी मोहम्मद अली रोड पे आते हैं, ये भाई साहब अगर दिख गए तो इनको आप गाड़ी से हो तो दौड़ा के पकड़ के चाय पीजिएगा, क्योंकि इनकी चाय वाकई काफी शानदार थी। अभी मैंने एक चाय पी और दूसरी चाय मैंने ऑर्डर कर दिया, तो भाई साहब अभी दूसरी चाय वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ का माहौल भी काफी शानदार है, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे एक नाई की दुकान है, भाई साहब भी यहाँ पे खटिया वगैरह लगा के सोए हुए हैं। बाकी यहाँ का देखेंगे दोस्तों, घर वगैरह भी काफी मतलब बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। हाँ, यहाँ का वाइब वगैरह भी काफी शानदार है, वाइब मतलब अच्छा लग रहा है यार। यहाँ रोड पे भी सोने में काफी मजा आ रहा होगा, खाली मच्छर भी क्या ही करेंगे, ताजा ठंडा हवा आ रही है और मस्त सो सकते हैं। लेकिन सर भाई एक बात है, जैसे यहाँ पे सोने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, सुबह 6 बजे ही
उठना पड़ता ना। अच्छा, मतलब अगर रोड पे यहाँ पे कोई सोता है तो उसको जल्दी उठना पड़ता होगा ना, अगर नहीं उठेगा तो पुलिस वाले आके डंडा मारेंगे। नहीं, पुलिस वाले नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या है कि जैसे पैसा रख के सो रहे हैं, आपको गड़दुल्ला सड़दुल्ला है, पैसा निकाल लिया, वो तो रात को भी निकाल सकता है। हाँ, निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। गड़दुल्ले भी तो बहुत घूमते होंगे यहाँ पे। बहुत है, बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों अभी ये भाई जान यहाँ पे घूम रहे थे तो अब ये दिख गए तो मैं इनका चाय पी रहा। तो इसे अगर एक बात बताइए भाई जान, अगर आपका चाय वगैरह और कोई पीना चाहेगा तो कैसे पिएगा आप, मतलब कहाँ मिलेंगे? जैसे मान लो मैं दोबारा भी अगर चाय आपसे पीना चाहूँ मोहम्मद अली रोड पे आऊँ तो कैसे आपसे मुलाकात हो पाएगी? चाय तो हमेशा मिल जाएगा भाई। आप कहाँ मिलोगे? अब मैं तो, मेरा कोई खाड़ा नहीं रहता, मैं किधर रहता हूँ, जिधर मेरा फोन आ जाएगा मैं उधर पहुँच जाता हूँ। अच्छा, फोन के हिसाब से? दुकान दुकान पे फिक्स होगा? नहीं, मेरा कारखाना है। अच्छा, कारखाना। अच्छा, कारखाना फिक्स रहता है क्या? रात को कारखाना चलता है क्या? हाँ, रात में चलता है, रमजान में तो चालू है। रमजान में चालू, रात भर जो काम करेंगे दिन भर सोते हैं। अच्छा अच्छा, रात भर ड्यूटी करेंगे। हाँ, तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से फिर मोहम्मद अली फोन आया था इधर सामने 10 चाय देने का था। अच्छा अच्छा, इसे मैं आया था ना, मैं डोंगरी पे रहता हूँ। डोंगरी पे क्या? अच्छा, वो मुनव्वर फारूकी जिधर रहते हैं, मुनव्वर फारूकी जानते हैं? उनका घर देखे हैं क्या आप? घर नहीं देखा। अच्छा अच्छा, सुना हूँ मैं। हाँ, तो फिलहाल दोस्तों कभी हमको भी मौका मिलता है चलते हैं डोंगरी मुनव्वर फारूकी के अलावा भी वहाँ पे ये जो क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम वगैरह भी उधर ही के हैं ना छोटा? हाँ शायद वो भी दोस्तों फिलहाल उधर ही के हैं। अभी आपकी चाय गर्म हो चुकी है क्या? हाँ। तो पिला दीजिए फिर, मैं वेट ही कर रहा हूँ आपकी चाय का ही वेट कर रहा हूँ। लेकिन ये चाय मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यार, अभी वो थोड़ा ठंडा था इस वजह से मुझे कम मज़ा आया। ये पूरा दूध है यार? अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों ये पूरा दूध है और ये मसाला अलग से रखते हैं और मिक्स करते हैं, मतलब काफी उफी का झंझट ही नहीं है। काफी उफी वो चाय पत्ती उपत्ती रहता ही नहीं ना, सीधा मसाला डाल के बना देते हैं यार। वाओ, पर ये अच्छा। मसाला सैफ भाई आपको रखना चाहिए था, बार बार आपको बर्तन नहीं धोना। हाँ यार, ये मसाला मिलेगा भाई यार अगर मुझे चाहिए तो? कितने का बेचते हैं आप? ये मसाला है 200 ग्राम 300 रुपए का। 200 ग्राम 300 रुपए का? 200 ग्राम में आपका पूरा साल चले जाएगा। कितना 200 ग्राम दिखाया और उनको 200 ग्राम का? कितना बार चाय बन जाएगा 200 ग्राम में? जैसे स्पेशल चाय, अच्छा चाय बनाओगे तो मान के चलो कि 50 कप बन जाएंगे। 36 6 रुपए पड़ा, तो ठीक ही है, उतना बुरा नहीं है यार, ले सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं चलता हूँ ये चाय पीने के बाद, भाई जान को पैसा देता हूँ और फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बाकी खाने के लिए क्या क्या है भैया? खाने के बाद टोस्ट है, बिस्किट है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये लहसुन चूड़ा है। अच्छा, लहसुन चूड़ा है। तो फिलहाल दोस्तों चाय पीते हैं, भाई साहब अभी हमारे ये खड़े हैं, इनका पैसा दे देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं मोहम्मद अली रोड की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं यहाँ पे चाय पिया और चाय पीने के बाद फिर वापस से मैं निकल गया मोहम्मद अली रोड की तरफ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से काफ़ी लोग अभी यहाँ पे रोडों पे सोए हुए हैं, एक तरफ से पूरा यहाँ पे लाइन लगा के। आपको मोहम्मद अली रोड पे काफ़ी टाइम से लोगों की ज़िंदगी वगैरह को दिखा रहा था कि लोग किस तरह से ठेले पे, फुटपाथ पे, यहाँ तक कि दोस्तों रोड के बीच में जो रेलिंग्स होती हैं उस पे भी लोग अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोग फिलहाल सो रहे हैं। और यहाँ पे सामने की तरफ दोस्तों बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे भी देखिए किस तरह से लोग अपना पैर वगैरह दाज के दोस्तों इस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसारा कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए पूरा रोड के किनारे किनारे से दोस्तों इस तरह से ये लोग अपने, मतलब अपने अच्छी ज़िंदगी का दोस्तों इस तरह से गुजर बसर करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत ही दर्दनीय स्थिति है। अशोक भैया एक बात बताइए, कभी अगर आप इस स्थिति में आपको रहना पड़े तो फिर आप क्या कहेंगे? इस स्थिति में रहना पड़े तो सैफ भाई देखो मुश्किल बहुत है, पहले तो अपने अंदर एक वो होना चाहिए। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये कोई भी काम करने से ज्यादा मुश्किल ये है सोना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि बस सोना है तो सोना है, इनके पास में सामान भी रहता है सैफ भाई, पैसा भी रहता है, मोबाइल भी है। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। की तरफ जा रहा हूँ मोहम्मद अली रोड की तरफ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों इस तरह से लोग यहाँ पे ठेले पे भी अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, दिन भर दोस्तों ये यहाँ पे काम करते हैं और फिर रात को दोस्तों इस तरह से ठेले पे ही अपना रात का गुजारा करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ सीन है भाई साहब,
एकदम मुंबई के वीआईपी एरिया में। अभी जैसा कि मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि अभी रमजान का टाइम है तो इस वजह से भी लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब दूर दूर से आते हैं, सामान वगैरह बेचते हैं अपने ठेजे से, और यहीं ठेजे पे किनारे जगह के सो जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक पूरी फैमिली ही सोई हुई है, लेडीज हैं, औरत हैं, इस तरह से फुटपाथ पे। मतलब बोले तो दोस्तों मुंबई में ना बहुत सारे होमलेस लोग हैं जो कि इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को फुटपाथ पे गुजारते हैं, जो कि देखने के बाद तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, यही कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लोग जीते हैं यार, लोग जीते हैं। मुंबई में वैसे वाकई काफ़ी छोटे छोटे से घर होते हैं और एक एक घर में चार चार पाँच पाँच से लोग होते हैं। अब ये भी सोचिए कि उस छोटे घर को भी मुंबई में लोग रेंट पे नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए जितना भी आपको यहाँ पे वो दिखेगा बैठने के लिए, जो भी टेबल वगैरह बनाई गई हैं, कुर्सियाँ वगैरह बनाई गई हैं, वहाँ पे आपको सोते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे यहाँ से पूरा किनारे किनारे से। और उधर बीच में भी देखिए, मैं ऑलरेडी इधर का भी दिखाया था, लेकिन फिर से मैं जा रहा था तो मुझे कुछ और नए लोग दिख गए, तो मैं आपको यहाँ से इस तरह से दिखाते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ। देखेंगे दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे लोग एक लाइन से सोए हुए हैं, करीबन 7-8 लोग हैं जो कि इस तरह से पूरा यहाँ पे फुटपाथ पे मेन दोस्तों डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर के बीच में सोए हुए हैं। और दोनों तरफ से दोस्तों कंटिन्यूस ये गाड़ियाँ आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। और बताओ इतनी आवाज़ के साथ साथ और भी कई सारी तरह की दिक्कतें होती हैं कि लोग बस सोते हैं यार, और डिवाइडर के एकदम मतलब कहते ना ऊपर सो रहे हैं, अगर हल्का सा करवट जाएंगे तो रोडों पे आ जाएंगे। इस तरह से लोग फिलहाल दोस्तों यहाँ पे सोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं यार। देखने के बाद एक मतलब अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं, यही है दोस्तों मुंबई की ज़िंदगी, इस तरह से आपको रातों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी देखिए अंकल इस तरह से अपना सो रहे हैं, तो इस तरह से अभी यहाँ पे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। अभी यहाँ पे ये जो हाथ गाड़ी है, ये भाई भी इसी पे अपना रात का गुजारा कर रहा है। अभी करीबन दोस्तों यहाँ पे 3-3:30 बजे के आसपास ही हम आपको माहौल दिखा रहे हैं, पूरे अंदर की तरफ भी दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे लोग सो रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से लोग अपना हाथ गाड़ी पे भी अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हुए आपको मोहम्मद अली रोड पे दिखाई दे जाएंगे। स्पेशली दोस्तों ये जितना वीआईपी एरिया है, यहाँ पे ज़िंदगियाँ उतनी ही स्ट्रगल भरी हैं जैसा कि फिलहाल दोस्तों मैंने अभी दिखाया। अभी मैं जाऊँगा एक ऐसे भी माहौल में जहाँ पे पूरी चीज़ें एकदम शानदार तरीके से दिखने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी आपको इस तरह से यहाँ पे नाइट का माहौल दिखा रहा था कि किस तरह से लोग दोस्तों अपने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल भरी अपनी ज़िंदगियों को दोस्तों रोडों पे बिता देते हैं। और यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो गांव से आए हुए होते हैं कुछ अपने ज़िंदगी में कर गुजरने के लिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए मतलब कहते हैं ना दोस्तों, कुछ पैसे बचाने के लिए ये लोग दोस्तों इस कंडीशन में अपने ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, रोडों पे सेते हैं और दिन का 300, 400, 500, 600 जो भी कमाते हैं, कोई एक इनका फिक्स दुकान वाला होता होगा या कोई पहचान का दुकान वाला होता, उसको जाके दोस्तों ये अपना पैसा देते होंगे और वो पैसा इनका जमा करता होगा। और महीना जब हो जाता है तो फिर दोस्तों ये पैसा लेते हैं, उसमें से करीबन 1,000-2,000 रुपये अपने खर्चे के लिए निकालते हैं कि कुछ खा पी सकें, और बाकी का सारा पैसा दोस्तों वो घर भेज देते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों मुंबई में रह के जो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण के लिए मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना यार आँखों से आंसू आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हो भाई, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो इसी का नाम मुंबई, हाँ इसी का नाम मुंबई भी है, इसी का नाम ज़िंदगी भी है। कोई अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और कोई अपनी ज़िंदगी में इतना चेंज कर रहा है, पूछो मत, हर तरह की अय्यासियों में जी रहा है। तो यही सब है मुंबई में, आपको बहुत सारी दोस्तों आपको अलग अलग दुनिया देखने को मिलेगी। कोई कितनी शान शौकत से मस्त बिल्डिंगों में महलों में आराम फरमा रहा है, और कोई किस तरह से दोस्तों रोड के डिवाइडर के बीचों बीच सो रहा है। तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे गाड़ियों में भी लोग सोते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये कार में, ये भाई साहब दिन भर कार चलाते हैं और रात को इसी कार में अपना रात का गुजारा करते हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों मैं आपको मुंबई को रात का माहौल दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल दोस्तों घूमते घूमते 3 बज चुका है, करीबन मैं 1:30 बजे से स्टार्ट किया था घूमना,
तो इतना पूरा एरिया मैंने आपको पूरा कवर करके दिखाया, यहाँ का माहौल वगैरह दिखाया, जो कि देखने के बाद दोस्तों सच में मेरा अजीब सी फीलिंग आ रही है यार, दिमाग एकदम खट्टा हो गया। मतलब मैं आया था, सच बताऊँ तो मैं आया था मोहम्मद अली का रोड शूट करने, और वहाँ पे मैं आपको नाइट ड्राइव दिखाने आया था, वहाँ की शहरी ट्राई करने आया था, वहाँ का नहारी ट्राई करने आया था, लेकिन मैं आपको इस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी दिखा रहा हूँ कि जो किस तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।